बैतूलगंज थाना क्षेत्र के गंज का है, जहां मैकेनिक चौक पर स्थित एक प्राइवेट होटल में 27 तारीख से युवक रुका हुआ था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बुधवार देर रात होटल वालों की सूचना पर गंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर बैतूल जिला चिकित्सालय के मर्चरी रूम में रख दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम राधेश्याम पवार, निवासी रोंडा, उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। युवक श्रीराम लाइफ कंपनी में कार्यरत था और वह 27 तारीख से इस होटल में रुका हुआ था। मौत किन कारणों से हुई है अभी यह कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि उक्त युवक की मृत्यु किन कारणों से हुई है। पुलिस ने मर्द कायम कर पूरे मामले को विवेचना में लिया है। उक्त युवक का पोस्टमार्टम सुबह किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। टीम भारती न्यूज। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।